ऐसा समुच्चय कौन आए हो आपको महाराज कंचन सिंह याद किया है महलों में। क्या कहा रे नौकर? हाँ माने, यानी मुझे महाराज ने रात दरबार में बुलाया है। बहुत जल्दी बुला है, कहीं जल्दी बुलाए जाओ। साले तहजीब तरीका सीखो। कहे सरकार को पूरा बिछड़ जा। क्या कहा बोलो? महाराज ने तुम्हें याद किया है, बहुत जल्दी से। हाँ तो ऐसी बात कहो। अरे पहले निकल गई मोहित ने कहा हम कटाई डाली जवान है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से ठाकुर अमर सिंह 7 रोज के बाद दारा दरबार गया था, उसी तरीके से मैं आज 7 रोज के बाद महाराज के दरबार को चल रहा हूँ। चलो नौकर में चले आओ। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर मेहरबान बख्शे ताला। उदो की जान पर हाजिर, उदो की जान पर हाजिर, हमेशा खौफ खंजर है, फटेक बाल लक्ष्मी का कदम का जय कर। महाराज जी, जब मैं रात दरबार को आया करता था तो आपका चेहरा बहुत खुश नजर दिखाई देता, परंतु बात क्या है, आज आपका चेहरा सुस्ती में दिखाई दे रहा है। महाराज जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नीचे झुक रहा है, सुस्ती का कारण बताओ महाराज जी। भैया एक उचित है मंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए। बोलिए महाराज। कि आज हफ्ते भर से मैं परेशान हूँ, लेकिन दरबार में ना कोई सेनापति ना मंत्री मेरी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। भैया जी, महाराज आपकी तबीयत खराब है जी। कोई बात नहीं महाराज जी, आप रात दरबार में बैठे, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ, आपकी इलाज कराऊंगा, आप सही हो जाओगे, आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। नमस्कार। चलो अब हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे आइए।
क्या बात है भैया? डॉक्टर साहब मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। मैं दरबार का मंत्री। पहचाना। आप जानते हैं राजा कंचन सिंह के मंत्री जी हो? हाँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हमारे महाराज जी की तबीयत खराब है। हाँ, तो आपको मेरे साथ वहाँ दरबार चलिए और उनकी अच्छे से इलाज कीजिएगा। बिल्कुल। आप लोगों के लिए हूँ, अवश्य बताएंगे। आप लोगों के लिए हूँ और राजा साहब के लिए हूँ। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ में आइए। चलिए। तुम्हारा कंपाउंडर भी साथ में? हाँ, हमारा कंपाउंडर। देखिए हमारा रात दरबार आ चुका है। हाँ जी। और रात दरबार के चलने के पहले जी एक बात हमारी सुनोगे? हाँ बिल्कुल। मैंने अपने कंपाउंडर को आगे करी। कंपाउंडर, हाँ मंत्री जी की बात सुनिए। तुम भी सुने, हम भी सुने। अच्छा रुक जाओ कंपाउंडर, हम बात तो तुमको बताएंगे। डॉक्टर साहब पहले सुनो मेरी बात को। जी सुनो। देखिए मैं आपको महाराज के इलाज के लिए ले चल रहा हूँ। जी। लेकिन पैसा आपकी मर्जी से होगा और इलाज मेरी मर्जी से होगी। पैसा मेरी मर्जी से, इलाज आपकी मर्जी से? बिल्कुल। चलो ठीक है, पहले ये तो सुनो क्या इलाज मैं कराऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, पैसा आप देंगे। हाँ, और इलाज भी आप कराएंगे। बिल्कुल। तो मुझे तो पैसे चाहिए। सुनो डॉक्टर साहब। जी। आप लोग रात दरबार में कोई शोरगुल नहीं करोगे? नहीं, कोई शोरगुल। और सुन लो मेरी इलाज को। जी। मेरे दरबार में पहुंचते ही पैसा मैं जब अपनी मर्जी से दूंगा जी, तो आप रात दरबार में महाराज का जहर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जहर का? बिल्कुल। कंपाउंडर सुन, तू सुन रहा है कि नहीं? अरे सुन तो मेरी बात, तूने नहीं सुन पाया? नहीं सुन पाया। हमारे कान बंद रहे हैं। कान बंद थे? हाँ। कान खोल लो। खुल गए। अब आवाज सुनाई पड़ रही, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? हाँ सुनाई दे। सुन लो, मेरी बात तो सुनो। सुन रहा हूँ। अब कान खुल गए हैं। तो मेरी बात सुन। मंत्री जी ने कहा कि पैसा मैं जो मांगोगे वो दूंगा। अच्छा फिर पाता है। और उन्होंने कहा है कि राजा साहब के जहर का जहर। मैंने पहले कह दिया रात दरबार में चिल्लाओगे नहीं, इलाज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंजेक्शन जहर का। नौकर हंटल जाए राम। सरकार हमारी बात सुनो, काम तुम कर रही हो, पैसा तुम दे हो, तो हमका करीब करती है। साले चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अरे चुप पाई रही। बिल्कुल, वहाँ महाराज जी के पास कोई बात नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा है महाराज के इंजेक्शन जहर का लगना चाहिए। आगे बताइए, कहे हम कम दिमाग के आदमी है, अब कहो जोर लेनी करी गई तो वो देख, मैं इससे समझाऊंगा तो कहा हमारी गोली मार दे। बिल्कुल। फिर हमारी लड़का बच्चा कहा करी है? लड़का बच्चा बताई देगी उसको मैं इतनी तनख्वाह दूंगा, उम्र भर बैठ के खाएंगे। हमारी मेहरिया भी तुम खुला गए। बिल्कुल साले। और कहा घुमा रहे हो? क्या रे मेहरिया घुमारिया घुमाई पाई हो? बिल्कुल। मेरी मैडम चार दाई खाती है, 10 बार खाए, लेकिन इलाज सब मैं करूंगा। हमारी मेहरिया खुला रहे। बिल्कुल। अपनी अम्मा देखा, हम अपनी अम्मा बताएगा पूरा नौकर हंटा।
हम अपनी अम्मा को बताना मुहित तुम्हारी अम्मा तुमको मारेंगे नहीं आ, तुम्हारी आरती संकट से उतारेंगे यार मालिक अपने मारे कहा योगा मिल पा नहीं, नहीं मारेंगे नहीं हम तुम्हारी आरती उतारेंगे यार। अच्छा अब कहीं दोबारा दम मारेंगे बिल्कुल हासत बात लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए बताई सारे चुप नहीं लेकिन कोई कोई मौका तो फिर समझेंगे हम चलो देखो चलो बुलाओ डॉक्टर को डॉक्टर साहब अरे यार तुम गड़बड़ करा गया डॉक्टर साहब फंस गए तो तुम्हारी बुआ 2.5 रुपया ताला भी कही है बदतमीज़ हमने तुम डबल बदतमीज़ कर तुम डॉक्टर हम कंप्यूटर हम तो तुम्हारी जगह दुकान तुम्हारी पकड़ी गई है बुआ तुम्हारी पकड़ी गई है छोटे लाली बहनी वही अलग पकड़ लेंगे अरे बकवाद मत कर बिल्कुल चुप रहो मतलब की बात कर मतलब की बात कर चलो आज मेरी बात सुन हाँ? देख आज मंत्री की नजरों में खून उतरा है ऐसा हो बात और घरों में बहुत झंटू आदमी है उसकी नजरों में खून उतरा है हाँ, हाँ। अगर इसका काम नहीं करते हो तो गोली मार दे हम तो हम दोनों को मार देगा मार दे है तो हमारी जान प्यारी है बता राजा प्यारा पहले तुम्हारे मन है पहले मेरे मारेगा हम तेरे मारेगा पहले तुम्हारे मन है यार हमारे कहे मन पहले तुझको मारेगा अच्छा क्या है मंत्री चल रहे चलिए 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 डॉक्टर साहब हाँ जी महाराज जी जी देखो और जांच करके इलाज करो बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात याद रख बिल्कुल 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 हाँ अभी राजा साहब को देख रहा हूँ कंप्यूटर देखो अब एक तरह जो परेशान उसके ऊपर गिर रहा है तू सरकार गिरी नहीं मरण देखी रहा देखी जाती है आला लगा के देखी रहा आला अच्छा आला लगा के इनका दिल धड़कन बीमारी है दिल धड़कन जी हाँ तो इंजेक्शन लगा दिया इंजेक्शन लगा दो चलिए अरे वो मेरे झोले में है अरे झोला ना जहर वाली लाओ अबे नहीं कंप्यूटर शांत रहे सुने सुने नहीं कुछ मैंने तुझे कुछ बताया तूने कुछ सुना नहीं ना तू मरना चाहता है नहीं मरा से हाँ तू मरना इसका मतलब हाँ तो पहले लेके अच्छा सा इंजेक्शन बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी अच्छा सा इंजेक्शन लगने वाला है कुछ नहीं महाराज 2-4 महीने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी उसमें कोई कमजोरी डॉक्टर साहब जल्दी से इलाज करिए महाराज की तबीयत डाउन बन रही है यार मंत्री जी मेरी समझ में आया मैं इंजेक्शन लगाने जा रहा हूँ राजा साहब के और अभी राजा साहब के समझ में सही हो गया बिल्कुल बिल्कुल लगाओ मेरी आपकी बात है 10 मिनट में सही हो जाएंगे लगा दिया लग गया मंत्री जी आपका काम हो गया है काम हो गया हाँ मैंने इंजेक्शन लगा दिया है कब वही जो आपकी बात थी वाह कंप्यूटर मंत्री जी से बात करो
यानी कितना चाहिए रुपया भाई? सरकार तुम्हें है कह रहा हूँ मनमानो पैसा हम। अरे तो यार अब वो खोलोगे दरबार में या नहीं खोलोगे? आप जो मर्जी हो वह दे दे हमको। अरे तो बताओ तो। कम से कम 4 लाख रुपए दे दे। 2-4 लाख इंजेक्शन कौन सा लगाया? इंजेक्शन है जो बता रहे हैं। अरे कौन सा सर? जहर वाला। बोले मादा चोर जहर का इंजेक्शन कौन सा है? जहर ना लगा सरकार। ऊपर हाथ उठाओ। तुमने साले जहर का इंजेक्शन लगाया और तुमको 2-4 लाख दे दी। पुलिस को बुला के साले तुमको 302 में मादक चोर। राय मालिक हमला करो करायो पहले बताओ राय मालिक। साले घट घट और दौलत निकालेंगे जूता 50 वाले चले जाओ यहाँ से। कंपाउंडर मंत्री जी चलो कोई बात नहीं कंपाउंडर से कोई बात नहीं चलो उसका हिसाब हो गया कोई बात नहीं और मैं भी घर चल रहा हूँ। आवाज जो अगर खैरियत चाहते तुम लोग दोनों लोग निकल जाओ मंत्री जी चित्र निकल जाइए हाँ निकाल जाओ पैसे मेरे घर भेजा दे मंत्री जी। महाराज मंत्री जी बोलिए महाराज जब से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है तब से मेरे नहीं नहीं महाराज की धड़कन कुछ बिल्कुल बढ़ गई है सब। इसलिए मैंने कहा था ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि महाराज 10-5 मिनट में बिल्कुल शुद्धता मूड में आ जाए। लेकिन मंत्री जी महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बोलिए महाराज। भगवान ने मुझे कोई एक संतान नहीं दी मानता हूँ महाराज लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बोलिए महाराज जी कि मेरी पहली बात महाराज जी कहने की कोई बात नहीं है आप बिल्कुल स्वस्थ का आपका सब सही हो गया जाएगा। मंत्री जी बोलिए महाराज क्योंकि मेरी महारानी गर्भवती है। सुन रहा हूँ महाराज अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो मुझको बालक मिल गया वो मेरा नहीं वो आपका बिल्कुल महाराज और आप मंत्री के ही पद पर हो और मंत्री के ही पद पर रहना अवश्य अवश्य महाराज जिस समय वो रात के काबिल हो जाए तो उसको राज सौंप देना बिल्कुल महाराज। अगर कोई बेटी पैदा हुई तो कोई महाराज के यहाँ अच्छे राजा के यहाँ उसकी शादी कर दे बिल्कुल महाराज और अपना राज चलाना। लेकिन मंत्री जी अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है देखिए तो क्या आ रहा है मेरी नजरों के सामने काला काला दिखाई दे रहा है मंत्री जी। और अब मैं जिंदा ना रहे खड़े कुछ
चले जाते हो। देखो महाराज की कोई नौबत तो नहीं चल रही यार। बिल्कुल साहब। अबे एक काम करो, आप बता बार उखाड़ डालो मुर्दा हल्को बजन उखाड़ी सारी। अभी साले महीने में खबर कुछ नहीं हुआ। तुम है मंत्री, नौकर तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी महारानी जी को भी बता देना चाहिए। और रात तो मेरी ही निष्कंठक रात चलेगी, उसमें कोई नहीं होगा। नौकर तैनात रहो, अब मुझे दोस्तों महलों को चलना चाहिए, तब महारानी जी से भी मुझे ये बात बता देनी चाहिए। लगा नौकर रहो दरबार में। बदबू आई रहे, मरा से दिखिया रहे मरीबो। नौकर जाओ देखो महारानी जी है महल में या नहीं है, और बोल देना मंत्री खड़क सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी कौन है? महारानी तुम्हारे मंत्री। मंत्री जी ये क्या बात है? महाराज खड़क सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे खड़क सिंह याद कर रहे हैं? जी हाँ जी। हाँ महारानी जी, मैं मंत्री खड़क सिंह। महामंत्री खड़क सिंह? हाँ महारानी जी। क्या बात है खड़क सिंह? क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे महारानी जी रहा भी नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात है ये तुमसे कहा नहीं जाता है और बिना महारानी कहा नहीं जाता है? महारानी जी। जी खड़क सिंह। मुझे कुछ संकोच हो रहा है बात कहने से। क्या संकोच है तुम्हें कोई बात कहने में? जो भी कहना चाहते हो खुले आप। महारानी जी, महाराज जी का स्वर्गवास हो चुका है। क्या स्वर्गवास? सत्य बात है। तुम सत्य कहते हो खड़क सिंह? सत्य है महारानी जी, बिल्कुल सत्य। बताइए बात सत्य है कि झूठ? महारानी जी आपको विश्वास नहीं है तो रात दरबार में मेरे साथ चलो, आगे दिखाओ। आइए महारानी जी। देखा तो महारानी जी मैंने सोचा जब तक मैं महलों को जाऊंगा, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं किसी डॉक्टर को बुला के महाराज जी की इलाज करा देना चाहिए।
बेहतर है तो दुनिया आप भी
मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। ना जाने कितने वर्षों से हमारी राज के भार संभालते आए हो, बिल्कुल आज भी हमारी उम्मीद है कि कोई हमारी राज में किसी प्रकार की हानि नहीं आने दोगे तुम। बिल्कुल नहीं महारानी जी। ठीक है राज के मंत्री, आपकी जैसी उम्मीद है उसी पे मैं भी तैयार हूँ। ठीक है महारानी जी, आप महलों में प्रस्थान करो, मैं महाराज की लाश को गंगा की गोदी में अभी दफना दूँ। लेकिन एक बात याद रखना। क्या बात है महारानी जी, बोलिए। महाराज खड़ग सिंह, बोलिए महारानी जी। जिस प्रकार से हमारे महाराज ने राज में तुम्हें भली भांति से परिचय सभी भाव दिए हैं, उसी प्रकार से हमारी महाराज की लाश को महारानी जी से यहाँ से ले जाना है। आपका आदेश का पालन होगा।